राम कृपाल यादव को आप देख सकते हैं, राम कृपाल यादव हैं और जो है वो मुख्याधिकारी हैं। लेके जा रहा है सर आपको, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ जो है पुलिस की गाड़ी जो है वो ले जा रही है। हमारी लड़ाई चलती रहेगी, हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम बर्खास्त भ्रष्ट सरकार का अंत नहीं हो जाएगा। देखिए कि राम कृपाल यादव को जो है ले जाया जा रहा है। यहाँ राम कृपाल यादव को आप देख सकते हैं, राम कृपाल यादव हैं और जो है वो मुख्याधिकारी हैं। लेके जा रहा है सर आपको, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ जो है पुलिस की गाड़ी जो है वो ले जा रही है, राम कृपाल यादव को पुलिस की गाड़ी जो है वो ले जा रही है। और यहाँ पर देख लीजिए कि जो है लोग यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो है ले जाया जा रहा है, तो पूरी स्थिति जो है वो बनी हुई है। पटना के डगमगला चौराहे पर देखिए कि अभी जो है राम कृपाल यादव को बैठा करके ले जाया गया। अब जो है अरुण सिन्हा कुम्हरार के विधायक हैं और उसके अलावा जो है नीरज बबलू आप लोग हमारी लड़ाई चलती रहेगी, हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम बर्खास्त भ्रष्ट सरकार का अंत नहीं हो जाएगा। कई महिला कार्यकर्ताओं को भी मारा गया, अन्याय हुआ है। तो पटना का डाक बंगला चौराहा, यहाँ से राम कृपाल यादव को जो कुम्हरार से विधायक है सिन्हा जी उनको ले जाया गया। उसके अलावा जो नीरज बबलू हैं छातापुर के विधायक हैं उनको ले जाया गया। यानी कि जो बीजेपी के सारे नेता थे लगभग जो है उनको गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया है। और राम कृपाल यादव का जो है आप विजुअल आप देख सकते हैं, विजुअल आपने राम कृपाल यादव का देखा। उसके बाद जो है जो अरुण सिन्हा जो बीजेपी के विधायक हैं कुम्हरार से उनका वीडियो आपने देखा। तो पूरा जो हम आपको जो है बताना चाहेंगे कि जो एक तरह से लगभग 11 बजे से ये प्रदर्शन शुरू हुआ, प्रदर्शन के बाद सम्राट चौधरी लगभग 12:30 के करीब पहुंचे। वहां से भीड़ जो है वो पटना के डाकबंगला चौराहे की तरफ बढ़ी। डाकबंगले चौराहे से जो है उनको एक तरह से दो भाग में प्रशासन ने उनको रोक दिया, एक जून के कार्यकर्ता थे एक जून के बड़े नेता। लेकिन सम्राट चौधरी जो है पटना के डाकबंगला चौराहे पर बैठ गए अपने प्रदर्शन को लेकर के और जो है उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया है। राम कृपाल यादव अरुण सिन्हा सभी का विजुअल जो है आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रकार से आंदोलन हुआ और कहा जा रहा है कि कई लोगों की किसी का सर फटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी के कमर पे चोट लगा है, किसी का चप्पल नहीं, किसी का जूता नहीं, किसी का कपड़ा नहीं है, किसी का शर्ट नहीं है, तो ये जो पहली बार जो है बीजेपी विपक्ष के तौर पर इतनी बड़ी प्रदर्शन की है और एक तरह से इसको सफल प्रदर्शन माना जा सकता है क्योंकि भारी भीड़ थी। जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल में जो भीड़ रहती है उसी प्रकार ये भीड़ पहुंची थी। भीड़ जरूर जो है ज़्यादा लंबा देर तक टिक नहीं पाई लेकिन भीड़ जो है वो काफ़ी थी। काफ़ी भीड़ का मतलब ये है कि लोग जो हैं होटल मोरिया के अंदर वाले रोड एसपी वर्मा होते हैं वहाँ से जो है वो निकले हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं सबको गिरफ्तार करके जो है वो भेजा गया है। गिरफ्तार करने के बाद जो है वो भेजा गया है और उसके बाद जो है यहाँ पर भेजा गया और उसके बाद जो है बड़े जो उनके नेता हैं उनको जो है ले जाया गया। अब जो है अब बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना है कि सरकार को हम उखाड़ करके फेंकेंगे, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार को हम उखाड़ करके फेंकेंगे, चचा भतीजे की सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे। लेकिन अब जो है चुनाव में पता चलेगा कि ना, लेकिन अभी भी जो है डाकबंगले चौराहे पे चहल पहल है, पुलिस प्रशासन की टीम जो है यहाँ पर खड़ी है, लोग यहाँ देख रहे हैं, लोग जो है यहाँ हैं, लोग जो है छतों पर से अपने कार्य को छोड़ करके देख लीजिए कि पूरा जो है चाहे वो लोकनायक जयप्रकाश भवन हो या सभी जगह से देख रहे हैं। क्योंकि जब डाकबंगला बंद होता है तो आसपास जो पटना एक तरह से इसको बंद करार दिया जाता है क्योंकि ये चौराहा ऐसा है कि बिना यहाँ से गुजरे हुए कोई काम नहीं होता है। तो ये पूरा विजुअल पूरा जो भीड़ था जो प्रदर्शन था विधानसभा मार्च था उसको अगर सफल कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।